Hello everyone, I am Aditya Adhavan watching The Social Indian and welcome to the very second episode of Mission Admission series, and in this video we'll be discussing how to tackle logical reasoning and quantitative aptitude. यानी logical reasoning और maths को आप कैसे tackle कर सकते हैं Delhi University LLB entrance exam के लिए. और ये video आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा important होने वाली है क्योंकि इस video को हमने 5 part में divide किया है. पहला part जो होगा वो आपके लिए syllabus होगा और syllabus में हम देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे आपसे पूछा जाता है. उसके बाद जो दूसरा part आपका होगा वो आपके लिए यहाँ पर आपके लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आते रहे हैं उस चीज से. उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सेक्शन की. फिर हम बात करेंगे चौथे सेक्शन में हाउ टू प्रिपेयर, और पांचवे सेक्शन में हम आपसे बात करेंगे एक मास्टर टिप की जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी इस लीगल लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स को सॉल्व करने के लिए. अब किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके लिए ये वीडियो आप पूरी देखिएगा. ज्यादा लंबी इस वीडियो को हम नहीं रखेंगे, कोशिश करेंगे कि छोटे शब्दों में कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको दे पाए. अब जब मैं सिलेबस की बात करता हूं तो लॉजिकल रीजनिंग और जो मैथ्स का सिलेबस है उसे हम वाइड भी कह सकते हैं और बहुत ज्यादा नैरो भी कह सकते हैं. वाइड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसमें जो टर्म्स हैं बहुत ज्यादा चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती है, लेकिन उसे नैरो इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहां पर जो आपको चीजें बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़नी होती. ऊपर ऊपर से अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. अब वो नॉलेज कैसी होनी चाहिए वो हम आपको बताएंगे. पहली जो चीज है, चलिए लॉजिकल रीजनिंग को देख लेते हैं उसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं. तो आपसे पूछी जाती है एनालॉजी, पूछी जाती है सीरीज, पूछी जाती है सिलोजिज्म, पूछी जाती है कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, आपके लिए ब्लड रिलेशन, पजल्स, रैंकिंग, वेन डायग्राम्स और डायरेक्शन डिस्टेंस. 11 चीजें यहां पर आपको लगभग, यहां पर हम ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो 11 टॉपिक से चीजें पूछी जाती हैं. अब अगर हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स को देखें तो वहां पर चीजें जो पूछी जाती हैं वो पूछी जाती हैं नंबर सिस्टम से, पूछी जाती हैं सिंप्लीफिकेशन से, पूछी जाती हैं टाइम एंड वर्क से, पूछी जाती हैं परसेंटेज से, पूछी जाती हैं एवरेज से, पूछी जाती हैं प्रॉफिट लॉस से, पूछी जाती हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाता है, स्पीड एंड डिस्टेंस और बेसिक प्रोबेबिलिटी को पूछा गया है. अगर आप पीछे वाले कोर्सेज में देखेंगे और पीछे वाली चीजों में देखेंगे तो आपको ये नोटिस करने को मिलेगा जब हम आते हैं दूसरे पार्ट पर कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां से आए हैं. देखिए जी, इस पार्ट से हर बार 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिनिमम देखने को मिले एग्जाम में. अब अगर हम 2019 के पेपर की बात करें जहां पर लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा चीजें बदल गई थी, उस पेपर में भी यहां पर आपके लिए 14 क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग प्लस मैथ से आए थे. तो आप समझ सकते हैं कि जहां पर 70 क्वेश्चन एक ही पार्ट से आ जाते हैं उसके अलावा 14 क्वेश्चन अगर एक पार्ट से आते हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं सेक्शन 3 में. इंपॉर्टेंस की बात यह है कि जहां पर आपके लिए 15 से 20 क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं तो यहां पर अगर आप देखें तो लगभग आपसे 50 से 60 मार्क्स ये कैरी करता है. और 50 से 60 मार्क्स ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में और यहां पर आपके लिए मैथ्स में ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर आप अपने नंबरों को पक्का कर सकते हैं. आप लीगल में कभी भी ये नहीं कह सकते कि मुझे इतनी नॉलेज हो गई है हाँ मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूंगा, नहीं कह सकते हैं. इंग्लिश में भी आप ऐसा नहीं कह सकते हैं, जीके में तो आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप ये कर लेंगे. तो एकमात्र सेक्शन ये ऐसा है आपके इस DULLB एंट्रेंस एग्जाम का जहां पर आप अपने मार्क्स को फिक्स कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं और ये 50-60 मार्क्स जो है वो आपके लिए कट ऑफ को क्लियर करने का यानी एंट्रेंस क्लियर करने का और एंट्रेंस में फेल होने का ये पूरा पूरा दम रखते हैं. इसीलिए मैं कहता हूं कि इस सेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए और हर बार मैं ये कहता हूं, इस बार भी आपको यही कहूंगा कि इस सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़िएगा क्योंकि लास्ट ईयर भी कई लोग ऐसे हैं, हमारे टाइम पे भी कई लोग ऐसे थे जो इसी सेक्शन के भरोसे यहां पर जो है वो एंट्रेंस क्लियर कर आए हैं. तो इस बात की इंपॉर्टेंस इसे लगाई जा सकती है. अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए, हाउ टू प्रिपेयर, तो उसके लिए सबसे पहली चीज है आप लोग किसी भी स्टडी मटेरियल किसी भी बुक को उठाइए. अब उसको आप पहले पढ़िए, कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. उसके लिए हमने देखा, हमने कॉन्सेप्ट आपके लिए निकालने की सोची और हम एक ऑनलाइन कोर्स भी हमने डिजाइन किया, ऑनलाइन क्लासेस जो हमने डिजाइन किया 10 दिन की यहां पर आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के लिए. अब लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स के लिए जब हम 10 दिनों की क्लासेस निकाल रहे हैं तो आप सभी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में यहां पर देख लेंगे. मैं थोड़ी सी चीजें बता देता हूं कि आपको इस कोर्स को क्यों ज्वाइन करना चाहिए और अगर आप सोच रहे हो तो उसके लिए मैं आपको ये आंसर करता हूं 5 पॉइंट में. सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके लिए इस सेशन में 10 दिन में से 2 दिन आपके लिए डेडिकेटेडली डाउट सेशन डेज हमने रखे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा. दूसरी चीज कि यहां पर हम 10 दिनों के अंदर आपके लिए अराउंड 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप भी समझिएगा कि उस 1500 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद आपका लेवल क्या होगा पढ़ने का. चलिए जी, उसके बाद तीसरी चीज है जो हम यहां पर आपके लिए क्वेश्चन PDF प्रोवाइड करेंगे रेगुलरली होमवर्क के लिए क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा होमवर्क चाहिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन चाहिए सॉल्व करने के लिए. चौथी चीज जो है वो हम आपके प्रीवियस ईयर के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पेपर यहां पर आपके लिए सॉल्व करेंगे. और पांचवी चीज जो होगी वो होगी कि आप जीरो से हीरो बन जाओगे. तो जीरो से हीरो
बनने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत तो खुद भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो मेहनत हम चाहेंगे कि आप लोग करेंगे, उम्मीद मैं करता हूँ। तो ये थी हाउ टू प्रिपेयर के लिए। आपसे यही कहूंगा कि तीन स्टेप में जो भी यहाँ पर हमसे जुड़ता है वो तो बहुत अच्छी बात है। अभी लगभग चार बैचेज हमने लीगल के कंप्लीट किए हैं और वहाँ पर 150 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर अब हम लॉजिकल का भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले ही दिन 50% सीट्स जो है फुल हो गई थी। तो अब अगर ऐसा ही होता है तो शायद हमें रजिस्ट्रेशन पहले भी फुलफिल खत्म करना पड़ सकता है, लेकिन 29 जून से यहाँ पर हमारे लिए पहला कोर्स शुरू होगा। उम्मीद करता हूँ पहले ही कोर्स में आप लोग आ जाएंगे और दिख जाएंगे हम लोगों को। चलिए, तो हाउ टू प्रिपेयर के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, तीन स्टेप को ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और फिर मॉक्स कीजिए। ये तीनों अगर आप करते हैं तो आपके लिए क्वांटिटेटिव बिल्कुल आराम से क्लियर है। अब अगर मैं मास्टर टिप की बात करूँ तो मास्टर टिप में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपसे कि कई लोग क्या है इसे इग्नोर कर देते हैं, इस सब्जेक्ट को सोचते हैं कि यार छोड़ देता हूँ, 15-20 क्वेश्चन ही तो आने वाले हैं और मैथ्स मेरा वैसे कमज़ोर है। तो यहाँ पर आपको मैं कह देना चाहता हूँ, अगर आपका मैथ्स कमज़ोर भी है तो भी आप इस क्वेश्चन के इनके प्रैक्टिस कीजिए, अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपका एंट्रेंस क्लियर होगा या नहीं होगा। इस सेक्शन को छोड़ने के बाद भी हो सकता है आपका एंट्रेंस क्लियर हो जाए, लेकिन वहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है जहाँ पर श्योर शॉर्ट सेक्शन हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सेक्शन है जिसके आप 50-60 मार्क अपने मानकर चल सकते हो कि हाँ मैं पक्के कर सकता हूँ एग्जाम से पहले ही, ठीक है। बाकी सब चीज़ें आप एग्जाम में देख के डिपेंड होंगी, लेकिन ये जो सेक्शन है इसे कैसे भी क्वेश्चन आए आप अपने मार्क्स जो वो पक्के करके चलिए, शुरू से इतनी मेहनत करके चलिए। चलिए, इस सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ और यहाँ पर आपके लिए वीडियो को बंद करता हूँ और मिलता हूँ जल्दी से नई वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं छोड़ दूंगा कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी कीजिएगा, एक या दो दिन बचे हैं, सीट्स पहले भी फुल हो सकती हैं तो रजिस्ट्रेशन हम पहले भी कैंसिल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी से नई वीडियो में। भारत माता की जय। जय हिंद।